ऑस्ट्रेलिया में बजा सीएम योगी का डंका। नमस्कार, स्वागत है एचसीएन न्यूज में, मैं हूं नीतीश पाठक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रयास किए हैं उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने सीएम योगी की तारीफों में पुल बांधे हैं। ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य क्रेग केली ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की है। उन्होंने आइवरमेक्टिन के प्रयोग के साथ प्रदेश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को नियंत्रित करने के लिए सरकार की नीतियों को सराहा है। सांसद क्रेग केली ने कहा है कि 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने आइवरमेक्टिन टैबलेट का प्रयोग कर दूसरी लहर पर अंकुश लगाया है। क्रेग ने अपने ट्वीट में यूपी और यूके के आस की आंकड़ों और जनसंख्या की तुलना की है। उन्होंने लिखा है कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 230 करोड़ है। उत्तर प्रदेश ने आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ जंग जीत ली। आज यूपी में 182 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं योगी के यूपी मॉडल की चर्चा चारों ओर है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार की नीतियों को WHO, नीति आयोग, बॉम्बे हाई कोर्ट और देश की सर्वोच्च अदालत ने भी सराहा है। ट्रिपल टी, मेडिकल किट वितरण समेत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए यूपी सरकार ने सरकारी विभाग की सलाह के अनुसार प्रदेश में आइवरमेक्टिन को कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रयोग किया। और इसी के साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने बड़े पैमाने पर रोग निरोधी और चिकित्सीय उपयोग में आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल किया और कारगर भी साबित हुआ। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें CN News। शुक्रिया।